हाँ जी, हर बिलास डेयरी फार्म के सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। पंजाब के बहुत से गांवों में मुंह खुर की बीमारी आई हुई है और ये बीमारी बहुत घातक है। ये एक वायरस रोग है जिसका सिर्फ इलाज है टीकाकरण ही इलाज है। और अगर ये बीमारी फार्म में एक पशु को भी आ गई तो सब पशु उससे प्रभावित होंगे और ये अपना ऐसा प्रभाव छोड़ती है, बहुत से पशुओं का खाना पीना बंद हो जाता है, कई पशुओं की इसमें जान भी चली जाती है और जो शेष बचे हैं दूध से भी जीरो हो जाते हैं और जो गाभिन पशु हैं वो गर्भ गिरा देते हैं। यानी जिसके फार्म में ये आ गई उसका पूरे का पूरा हर्ड इसे प्रभावित होता है। तो किसान इस बात को गंभीरता से नहीं लेता कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे हम अपने बच्चों में वैक्सीन कराते हैं तो पशुपालन के अंदर भी वैसे ही वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको नहीं देखा, पता नहीं क्या कारण रहा उसका, या किसान इसको गंभीरता से नहीं लेते बीमारी को। पहले समय में हरियाणा में भी बहुत ज़ोर से आती थी, परंतु हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, समय पर वैक्सीन करती है। और वैक्सीन भी कई बार हम करा लेते हैं तो भी हमारे पशु प्रभावित हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, वैक्सीनेशन क्यों फेल होती है। कई बार तो हमारे पास जो वैक्सीन पहुंचती है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए बढ़िया तरीके से पहुंच नहीं पाती, रास्ते में ही ख़राब हो जाती है। और कई बार जो वैक्सीनेशन करने वाले वर्कर हैं वो भी इसमें गलतियां छोड़ देते हैं, जैसे इसका टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रहना चाहिए और जो वैक्सीन लगाने वाला है वो शीशी को ऐसे हाथ में पकड़ के सारे गांव में घूमता है टीका लगाते हुए। तो इस समय वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है और हर पशु को अलग नीडल से ये वैक्सीन लगनी चाहिए, एक पशु से दूसरे पशु में, ये ताकि ये रोग ना जाए। और वैक्सीन ये 2 प्रकार की आती है, एक में तो आती है मुंह खुर और गलगोटू की, और एक में मुंह खुर गलगोटू और लंगड़ा बुखार, ब्लैक वाटर बोलते हैं जिसको। मैं समझे थोड़ा कम है, गायों में बहुत ज़्यादा मात्रा है ब्लैक वाटर की। तो किसान ये गलतियां कर बैठते हैं और जो लगाने वाले वैक्सीनेशन करने वाले हैं उनके पास से भी कहीं जाने अनजाने में ये गलती रह जाती है। जबकि इस दवाई को आप जिस समय वैक्सीनेशन करेंगे आपके पास बॉक्स होना चाहिए, एक उसके अंदर से पशु की डोज भरी और बॉक्स के अंदर रख दी जो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। और जब एक बार ये आ जाती है तो पूरे का पूरा पशुपालन प्रभावित हो जाता है। तो इसका इलाज क्या करना है हमें? इसमें कोई भी दवाई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, पशु की अपनी जो लड़ने की पावर है एंटीबॉडी जो वही इसके साथ लड़ते हैं और ये वही वैक्सीन पैदा करती है बॉडी के अंदर, हम उसको जब वैक्सीनेशन कराते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम दर्द निवारक दवा दे सकते हैं और एक पोटासियम परमैंगनेट जिसको देसी भाषा में लाल दवाई बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छालों को अच्छी तरह साफ करो, पैरों में जहाँ पे जख्म है उनको अच्छी तरह से धो ताकि उनमें कीड़े ना पड़े। और इसके अंदर बहुत से लोग वहम भरम के अंदर बढ़ जाते हैं, टूना टोटका करते हैं। जब हम छोटे थे हमारे गाँवों में भी होता था, परंतु जब हम पशुपालन के साथ जुड़े, यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़े, वैज्ञानिकों के साथ जुड़े तो हमारे को पता चला गया है कि वायरस रोग है ये। वायरस रोग कोई भी है तो उसके ऊपर दवाई कोई भी असर नहीं करती, जो अपनी लड़ने की क्षमता है एंटीबॉडीज वही इसके साथ लड़ेगी। पंजाब के एक गांव की रात में खबर देख रहा था, गांव की पंचायत ने इकट्ठे होके एक किसी बाबा को बुलाया और वो बाबा तागे तबीत बांध कर रात को 12-1 बजे उसके नीचे से पशु निकालने
के लिए उसने बोला, और जो इसका विरोध करेगा तो गांव वालों ने एक पंचायत बैठाई, उसका सारा गांव बाइकाट करेगा। तो एक परिवार ने उसका यानी विरोध किया तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने की सोची, जबकि इसके अंदर तागा तवीत टोना टाम्बण कुछ भी नहीं करता। अगर हम समय पर वैक्सीन लगवाएंगे तो ये रोग नहीं होगा, परंतु हमारे कुछ लोग ऐसे हैं आज भी उन्हें टोना टाम्बण के अंदर विश्वास करते हैं। अगर इन बाबाओं के पास कुछ होता तो देश 1.5-2 साल से कोरोना की मार से जूझ रहा है, तो उस समय बाबे कहाँ चले गए थे? बाबों को सोचना चाहिए था कि हमें बंधन करें, टूना टामन करें। हाँ, ये था, पहले समय के अंदर भी आवाजाही रोक दी जाती थी और आज भी हमें रोकनी चाहिए। अगर किसी परिवार के पशु बीमार हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ हम ना जाएं, और जो डॉक्टर वहाँ पे उनका इलाज करने के लिए गया तो हम अवॉइड करें कि उस डॉक्टर को आज हम ना बुलाएं। कल अगर वो फ्रेश होके आएगा, अगर हमारे को ज़रूरत है तो उस समय बनाना चाहिए। और जो रोगी पशु के बाड़े से आता है, अपने उसको पशुओं के बाड़े में भी बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वायरस रोग कपड़ों द्वारा, जूतों द्वारा और हाथों द्वारा अगर हम उसके पशु को टच करेंगे तो हमारे साथ ये हमारे फार्म में आ जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, मेरा मानना है कि आपका पशु कभी भी इस बीमारी से जूझ नहीं पाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण 6 महीने के बाद कराती है हरियाणा सरकार, और अगर सरकार आपके द्वार पे नहीं पहुँचती तो आप प्राइवेट किसी भी संस्था से संपर्क करिए या केमिस्ट से संपर्क करिए कि मेरे को वैक्सीनेशन मंगा के दो। और ये महंगी भी है नहीं, 10 पशुओं की मात्र 300 रुपये की है, 30 रुपये प्रति पशु, और आपका पशु 6 महीने के लिए सेफ हो जाता है। परंतु कई लोगों के मनों में यह वहम है कि मैंने वैक्सीनेशन भी कराई थी और फिर बीमारी आ गई, तो उन कारणों को नहीं खोजते कि क्यों बीमारी आई। बीमारी आने के बहुत कारण हैं। अगर हम किसी के पास ये लेने जाएंगे दवाई तो, और हमारे को वो पॉलिथिन में ऐसे ही डाल के दे देगा, रास्ते में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उस समय दवाइयाँ खराब हो जाएगी। हमारे मनों में रहेगा कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया अपने, परंतु वो तो खराब हुई वैक्सीन थी तो उसने काम ही नहीं किया है। फिर हमें बोलेंगे कि दवाई में कोई सहारा नहीं है तो टूना टोटका कराएंगे। टूना टोटका क्यों काम कर जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वहाँ पे कराया, वहाँ पे कर गया। हमारी बॉडी है किसी भी बीमारी को समझने के लिए 20 या 21 दिन लेती है, जैसे माता का रोग हो गया, चेचक हो गया, ये भी 20 21 दिन लेती है। 20 21 दिन के अंदर 10 12 दिन तो हम वैसे ही निकाल देते हैं, और 10 12 दिन बाद 10 20 आदमी इकट्ठे होकर किसी बाबा को ले आते हैं गाँव में। बाबा बंधन करना स्टार्ट कर देता है, आवाजाही लोगों की बंद कर देता है, कुछ तो आवाजाही बंद होने के कारण ही कंट्रोल हो जाता है रोग। और कई रोग कई बार हम लंबे समय निकाल देते हैं, उसकी बॉडी अपने आप उसकी आदी हो जाती है, उसे लड़ना स्टार्ट कर देती है, उसका श्रेय ये बाबा लोग ले जाते हैं। परंतु ऐसे मंत्रों के अंदर, तंत्रों के अंदर या किसी भी स्थान के पानी के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी भी रोग को ठीक कर सके। तो मैं आम साथियों से, किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप समय पर वैक्सीन कराएं, हर 6 महीने बाद कराएं। अगर सरकार पहुंचती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सरकार नहीं पहुंचती, सावधानी से हम अपने थर्मोस ले जाएं, थर्मोस के अंदर अपनी वैक्सीनेशन ले आकर और अपने पशुओं को हो सके तो आप लगाओ। अलग नीडल और अलग सरिंज होना चाहिए, ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें परेशान करती हैं। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों से अपील करूँगा कि मेरे चैनल को और मेरी इस वीडियो को आगे से आगे फैलाओ, ताकि लोग यह वहम पर में ना पड़े। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई रात मैंने जब वीडियो देखी, एक बाबा बंधन कर रहा है, एक पंजाब का गांव है हरियाणा से सटा हुआ, और आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हमारे जो गुरु पीर थे उन्होंने हमारे को बताया कि वहम पर में नहीं बढ़ना है, मणि मसाणी नहीं पूजनी है, तो हम फिर भी वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर हम इन बातों पर अपने जो हमारे धार्मिक आगू थे, धार्मिक संस्थापक थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे।
आज फॉरन के अंदर 120 20 30 30 लीटर तक गाय चली गई, वहां पे फुट अंदर माउथ डिजीज का नाम ही भी नहीं है। और हम आज भी गाय के 10 12 15 लीटर पे बैठे हैं। पंजाब वैसे तो दूध के मामले में बहुत आगे चला गया, गाय में 70 लीटर तक पहुंच गया। पर कुछ लोगों की सोच अब बहुत छोटी सोच है, और जो उसका विरोध करता है उसको भी ये लोग परेशान करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, जय हिंद, राम राम, नमस्कार।